हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग आज पार्ट सेकंड करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल का। पार्ट फर्स्ट बहुत पहले कर चुके थे, ये करना बहुत ज़रूरी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कल जब एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से पेपर फर्स्ट में जो 3 से 4 सवाल बन गए थे। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन तो आयरन कार्बन डाइग्राम से बन गए थे। आयरन कार्बन डाइग्राम आप लोग पढ़े होंगे जब इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम उसको भी देख लीजिएगा, क्या पता आगे आने वाला शिफ्ट में पूछ सके। आयरन कार्बन डाइग्राम से भी पूछा हुआ था। ठीक है, और एनपी जंक्शन, एनपीएन जंक्शन, इसे जंक्शन भी पढ़ लीजिएगा, डायोड वगैरह सब नहीं होता है। एनपी जंक्शन, एनपीएन जंक्शन, इसमें 2-3-4 सवाल यहाँ से भी बने हुए थे। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए, बेसिक बेसिक बना था, थोड़ा सा कहीं से थ्योरी वगैरह पढ़ लीजिएगा ना, तब बना लीजिएगा, वैसे क्वेश्चन था मतलब। तो चलिए इंजीनियरिंग मटेरियल हम देख लेंगे, 3 से 4 सवाल बनेगा आपको। तो पार्ट सेकंड यहाँ से 3-4 सवाल बनने को मिल सकता है आपको। मेडिजी बुक से हम करवाने वाले हैं, उसका अगला पार्ट करवाएंगे, पहले करवा चुके देते हैं, उसके आगे हम करने वाले हैं। ठीक है, पूरा कर लीजिएगा मेडिजी की बुक, तो क्वेश्चन मेडिजी बुक से ही बन रहे लगभग। ठीक है दोस्तों, ताकि बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख के अपना तैयारी को बिल्डअप कर सके और अपना स्कोर अच्छा खासा कर सके। ठीक है दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम जेएसएससी वाला पर जुड़े, वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है जेएसएससी वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसे भी। ठीक है, चलिए चलिए 291 से करते, 290 तक पहले हो चुका था। फोर सैनिटरी पाइप्स एंड केमिकल स्टोन वेयर्स, तो हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। अपने पास एक बार देख लेना, दिमाग नजर गड़ा के, और कुछ नहीं करना है। तो साल्ट ग्लेजिंग इज यूज, क्या करते हैं? फॉर सैनिटरी पाइप्स एंड केमिकल स्टोन वेयर्स साल्ट ग्लेजिंग यूज करते हैं। द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है जी, क्या होता है रैपिड हार्डनिंग? हाई श्रिंकेज कोफिशिएंट होता है, और इसका आंसर तो हायर देखिए दीजिए, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन भी होता है और हायर श्रिंकेज कोफिशिएंट भी होता है। पता नहीं इसका आंसर कौन होगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन होता है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है ना हार्डनिंग का, ये हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा एग्जाम में, या हायर श्रिंकेज कोएफिशिएंट, दोनों होता है इसमें। द स्टोन ऑब्टेंड बाय ब्लास्टिंग आर यूज्ड एज, ब्लास्टिंग करने के लिए कौन सा यूज स्टोन यूज करते हैं? तो ब्लास्ट इन रेलवे, एग्रीग्रेट फॉर कंक्रीट, रोड मेटल, ऑल ऑफ दी हो जाएगा इसका। द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, बताइए, एयर परमिटिविटी मेथड। द फाइननेस वगैरह देखिए, क्वेश्चन फाइननेस से बना हुआ था आज के एग्जाम में, कल के एग्जाम में, तो एयर परमिबिलिटी मेथड से हम लोग चेक करते हैं। द कोफिशियंट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टोन यूज इन रोड वर्क शुड बी ग्रेटर देन, कितना था? शुड बी ग्रेटर देन 17, शुड बी ग्रेटर देन 17। द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट डिपेंड अपॉन इट्स, किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है फाइननेस, इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट डिपेंड अपॉन फाइननेस। द वर्काबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव बाई, किसके द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं बताइए? तो इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट, किसके द्वारा? इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट के द्वारा हम लोग वर्काबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं आप लोग। द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट इंक्रीजेज विद द, बताइए, 298 के ए हो जाएगा, इंक्रीजेज इन द साइज ऑफ एग्रीग्रेट। डोरिस टेस्टिंग मशीन इज यूज फॉर, किसके लिए किया जाता है? तो हार्डनेस ऑफ टेस्ट ऑफ स्टोन, डोरिस टेस्टिंग, टेस्टिंग से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो देख के जाइएगा टेस्टिंग मशीन वाला, तो इसमें हार्डनेस टेस्ट ऑफ स्टोन यूज करते हैं हम लोग। चलिए, द डिफेक्ट कॉज ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड अंडर वेंटिलेटेड स्टोरेज ऑफ वुड ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट इज कॉल्ड, उसको कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोसिनेक्स, क्या बोलते हैं? फोसिनेस। द डिफेक्ट कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट सीजनिंग इज कॉल्ड, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, बताइए क्या बोलते हैं इसको? हनी कमिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डिफेक्ट कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट सीजनिंग हनी कमिंग बोलते हैं, कमिंग। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एयर सीजनिंग ऑफ सॉफ्ट वुड, कितना टाइम रिक्वायरमेंट होता है इसमें? तो दिमाग में रखना है इसमें जो टाइम रिक्वायरमेंट होता है इसमें 60 से 90 दिन। ठीक है, 2 महीने से लेकर 2 मंथ्स लेके 3 मंथ, मंथ में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा किसका? सॉफ्ट वुड का है, 2 से 3 मंथ। द टिम्बर हुज थिकनेस इज लेस देन 5 सेंटीमीटर एंड द विड्थ एक्सीड 12 सेंटीमीटर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बोर्ड बोलते हैं। सो ठीक है, एन असेंबल्ड प्रोडक्ट मेड अप ऑफ वेनिर्स एंड एडेसिव इज कॉल्ड प्लाईवुड। द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट इज कॉल्ड, बताइए, चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट,
इज कॉल्ड पिगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, पिगमेंट बोलते हैं। द लिक्विड मेटल मीडियम यूज इन ऑयल पेंट्स इज लिंसेड ऑयल। द लिक्विड मीडियम यूज इन ऑयल पेंट इज लिंसेड मीडियम, ऑयल होगा। द लिक्विड पार्ट ऑफ द पेंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड पार्ट ऑफ ऑयल को क्या बोलते हैं, व्हीकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हीकल्स। द कॉमनली यूज द कॉमनली बेस्ट यूज इन पेंट इज, कौन सा पेंट यूज करते हैं बताना है आपको, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। चलिए बताइए कौन सा होगा, 308 का बताइए। द कॉमनली बेस्ट यूज इन पेंट्स, तो कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा एनी ऑफ द अबव, कोई भी यूज कर सकते हैं, आयरन ऑक्साइड कर सकते हैं, जिंक ऑक्साइड कर सकते हैं, टाइटेनियम वाइट कर सकते हैं, और एनी ऑफ दीज कर सकते हैं, ठीक है। द थिनर यूज फॉर ऑयल पेंट्स, टर्पेंटाइन ऑयल। लिंसेड ऑयल इज रैपिडली सोलूबल इन, किसमें सोलूबल ज़्यादा होता है, लिंसेड ऑयल, तो याद रखना आपको, अल्कोहल में भी सोलूबल होता है, टर्पेंटाइन में भी होता है, और नेप्था में भी होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। द बेस्ट प्राइमर यूज फॉर स्ट्रक्चरल स्टील वर्क, तो कौन सा होगा इसका, इसका आंसर रेड लेड हो जाएगा। इनामेल पेंट इज मेड बाई एडिंग, तो किसके ऐड करने से होता है इनामेल पेंट, तो वाइट लेड इन वर्निश, किसमें, वाइट लेड इन वर्निश, याद रखना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इज हाईली रेसिस्टेंट टू फायर, बताइए कौन सा, एस्बेस्टोस पेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट, यहाँ से दोस्तों आप देखिएगा एग्जाम में पहला पेपर में 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, इसी पोर्शन से, आपको इसी लेक्चर से 15-20 मिनट का वीडियो, उसमें से 2 से 3 नंबर आप आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इज हाईली रेसिस्टेंट टू फायर, द एस्बेस्टोस पेंट। डिस्टेंपर इज यूज ऑन, डिस्टेंपर कहाँ यूज किया जाता है, इज यूज ऑन प्लास्टर सरफेस नॉट एक्सपोज टू द वेदर। चलिए, द बेस्ट मटेरियल फॉर डिस्टेंपर इज, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चाक, चाक बोलते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर डैम्प प्रूफिंग इज कॉल्ड बिटुमेन बोलते हैं उसको। ए टेम्पररी रिजिड स्ट्रक्चर हैविंग प्लेटफॉर्म रेज्ड अप एज द बिल्डिंग, एज द बिल्डिंग इंक्रीज इन हाइट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग बोलते हैं उसको। ए हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक लेड इन मोर्टर इज नोन एज कोर्स, हॉरिजॉन्टल लेयर को बोलते हैं कोर्स। ए ब्रिक लेड विथ लेंथ परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ वॉल इज कॉल्ड, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द वॉल, इसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हेडर, इसको बोलते हैं हेडर। कंक्रीट कंटेनिंग, कंक्रीट क्या कंटेन करता है वो बताएं, इंपॉर्टेंट है, कंक्रीट से क्वेश्चन 110% गारंटी के साथ बोलते हैं, कंक्रीट से दो सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को और कुछ नहीं। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, और देख लीजिए ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सही है उसको सही बताना आपको। तो वाटर सीमेंट पेस्ट हार्डन रूल, हाइड्रेशन सही बात है। ड्यूरिंग हार्डनिंग सीमेंट बाइंड्स आ द एग्रीगेट टुगेदर, ये भी सही है। सीमेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर टाइटनेस, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। द हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट अर्ली स्टेज इज ड्यू टू इट्स इंक्रीज लाइम सीमेंट। चलिए, न्यूमेरिकल पहला पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, बहुत कम, 1 से 2 सवाल आएगा जो कि बहुत ही आसान रहेगा, नहीं भी आएगा, हो सकता नहीं भी आएगा, पहला पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आएगा तो 2-3 सवाल आएगा, सिंपल वाला आएगा, टेंशन मत ले, सेकंड पेपर में न्यूमेरिकल आएगा। स्मिथ टेस्ट फॉर स्टोन इज परफॉर्म टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल मेटल फॉर स्टोन, सैंड जनरली कंटेंस साल्ट, इफ इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम सी बेड्स। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है, ये सब क्वेश्चन भूल जाइए, 110% गारंटी सब क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। इफ फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5 इट ग्रेडेड एज, तो इसका 2.5 है तो इसको कौन सा कैटेगरी में ग्रेड करेंगे इसको, तो आपको बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है आज एग्जाम में, ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, फाइन सैंड बोलते हैं इसको, कौन सा, फाइन सैंड। चलिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बताना कौन सा सही है इसमें से, तो सही कौन सा है इसमें, तो जिप्सम इज सीमेंट डिग्रीज द सेटिंग टाइम, सही बात है ये, बाकी सब गलत, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो किसको बोलते हैं,
तो वेट रेशियो बोलते हैं किसका, वेट रेशियो किसका बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द डेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ वाटर टू डेट ऑफ सीमेंट मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ वाटर जो भी है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए द डेटम टेम्परेचर फॉर मेच्योरिटी पाई प्लाउमैन तो कितना होता है 332 का, इसका -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ किसके साथ, ये क्वेश्चन पूछा है तो डाइकैल्शियम सिलिकेट ट्राइकैल्शियम सिलिकेट सारे के साथ ये हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है ISI हैज स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर कितने दिनों के बाद, याद रखना आपको 28 दिन के बाद। ठीक है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट शुड प्रिफरली बाई बी डन एट टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री, ठीक है 29 या 25। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, चार ऑप्शन देखिए उसमें बोला कि कौन सा गलत है ये पूछा हुआ। ठीक है बताइए कौन सा होगा, तो ये होगा इसका द मोल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, इसका आंसर ये गलत है। इन ए स्लम टेस्ट इच लेयर ऑफ कंक्रीट इज कम्पैक्टेड बाई स्टील रॉड 60 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील स्टील इज मिक्स्ड विथ क्रोमियम, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, चारों ऑप्शन पढ़िए बताना कौन सा सही हो बताना आपको। ठीक है द क्वालिटी ऑफ वाटर गवर्न द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सही बात है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीटिंग डिपेंड अपॉन द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीग्रेट एंड मेथड ऑफ कंपेक्शन, सही है। 10% एक्सेस ऑफ वाटर रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ वाटर बाई 15% ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा। ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज फॉर कंक्रीट ग्रेड, कौन सा यूज नहीं किया जाता है, तो M10 M15 M20 M40 तो कौन सा यूज नहीं करते हैं, तो आपको याद रखना है हम लोग यूज नहीं करते हैं M40 को। ठीक आपको बताना है रेशियो किसका किसे किसका, कंक्रीट मिक्सचर का इज नॉट कन्फर्मेशन ऑफ एक्टिविटी मेथड और रिसिप द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट मिक्सर तो कितना होता है बताना है आपको, तो कितना होता है 1:4:10। ठीक है फॉर कंक्रीटिंग टनल थिंग्स लाइनिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट इज डन बाई किसके द्वारा, पेंस के द्वारा। ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाई पंप्स इज डन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ कितना, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाई पंप्स इज डन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो कितना हो जाएगा ये इसका होता है 400 मीटर का। ठीक है दिमाग में रखना 400 मीटर। चलिए नॉन यूनिफॉर्म कंपेक्शन में कॉज द कंक्रीट ऑल ऑफ द अबव, पोरस नॉन होमोजेनियस रिड्यूस स्ट्रेंथ, कंपेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ इम्प्रूव्स क्या इम्प्रूव करता है, कंपेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ क्या इम्प्रूव करता है ये बताना है आपको। ठीक है तो 346 का कौन सा, डी डेंसिटी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। फॉर कंपेक्टिंग प्लेन्स कंक्रीट रोड सरफेस ऑफ थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर वी यूज स्क्रिट वाइब्रेटर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड इन द कंक्रीट, रोड्स रिटेनिंग वॉल्स लाइनिंग ऑफ कैनाल्स ऑल ऑफ दीज। द लाइट वेट एग्रीग्रेट आर ऑप्टेंड फ्रॉम वाल्कोनिक सोर्सेज द्वारा ऑप्टेंड किया जाता है, टू ऑप्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वी यूज वेरी फाइन ग्रेंड ग्रेनाइट, सेंड रिक्वायरिंग एट हाई वाटर सीमेंट रेशियो बिलोंगिंग टू कौन सा जोन होता है, सेंड रिक्वायरिंग हाई वाटर रेशियो सीमेंट तो कौन सा जोन में आता है ये 352 का, तो ये होगा जोन फर्स्ट में आता है। ठीक है सेंड ऑफ जोन 1R सेंड से भी क्वेश्चन बन रहे एग्जाम में दोस्तों, तो शायद ये सब क्वेश्चन बन जाए आपको एग्जाम में, इसलिए जरूर देखिएगा एक बार नहीं दो बार जरूर देखे जाइएगा। ठीक है कोर्स का कि एक बार देखने दिमाग में नहीं रहता है, फिर दिमाग में पढ़े थे फिर दिमाग में नहीं आ रहा है, गलत करके आइएगा उससे बढ़िया दोबारा देख लीजिएगा स्पीड करके। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीग्रेट डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करता है, ये तो डिपेंड करता है शेप ग्राइंडिंग और कंपैक्शन ऑल ऑफ दीज पे। चलिए बैचिंग एरर मींस इनएक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ बताइए ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर, एग्रीग्रेट सीमेंट वाटर। दोस्तों बगल रूम से थोड़ा आवाज़ आ रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा ठीक है ना, थोड़ा बगल में थोड़ा काम चल रहा है इसीलिए थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है।
वर्कएबिलिटी ऑफ कंक्रीट मे बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग ऑल ऑफ दीज। वर्कएबिलिटी ऑफ कंक्रीट मे बी, देखिए दोस्तों वर्कएबिलिटी से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा जी सब क्वेश्चन में। मे बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग, किसको ऐड करने से ये चीज इम्प्रूव होता है, तो आपको देखना चार ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। एयर इंटरिंग एजेंट, फॉर्मिंग एजेंट, ऑयली एजेंट, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। इफ द और इम्प्रूटिज इज, इफ द और इम्प्रूटिज इज क्ले लैम स्टोन इज फ्लक्स, सही बात है, लैम स्टोन क्ले इज फ्लक्स, सही बात है। क्वार्ट्स लैम स्टोन एंड एग्रेग्लेसियस आयरन और आर यूज फ्लक्स, ऑल ऑफ दीज। वैकेट एपरेटस इज नॉट यूज फॉर, किसके लिए यूज नहीं करते वैकेट एपरेटस को, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए यूज नहीं करते, इसके लिए अलग टेस्ट आता है। द इनिशियल सेटिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी, इनिशियल सेटिंग पूछ रहा है कितना होता है, लेस देन 30 मिनट। चलिए, द सेंटर नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वैकेट प्लंजर प्रोजेक्ट द सर्कुलर कटिंग एज बाई, तो कितना था 0.5 mm। द ली चैटेलियर टेस्ट इज डन फॉर सीमेंट टू असर्टेन साउंडनेस, ली चैटेलियर साउंड, चैटेलियर चाटा, चाटा मार के साउंड निकाल देंगे, चैटेलियर साउंडनेस। नीस इज ऑब्टेंड फ्रॉम, तो सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक रॉक्स के द्वारा। द हार्डेस्ट रॉक इज, हार्डेस्ट रॉक इज डायमंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मार्बल इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कितना है बताइए, 365 का बताना है आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डायमंड 2.72। द रॉक जनरली यूज फॉर रूफिंग इज ग्रेनाइट। द टर्म फ्रॉग मीन्स, फ्रॉग का मतलब बताना क्या होता है, ये डिप्रिसिएशन ऑन द फेस ऑफ ब्रिक्स। चलिए, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन गुड ब्रिक्स अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट, कितना होगा, मस्ट बी एटलीस्ट 50%। बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज फॉर, किसके लिए यूज नहीं किया जाता, ये तो आर्क के लिए नहीं यूज किया जाता, ठीक है। देखिए, किल्स विच मे वर्क थ्रू आउट द ईयर इज हॉपमेंस स्किन। द लैम विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बताइए, इसको बोलते हैं वाइट लैम बोलते हैं, ठीक है। गुड क्वालिटी सीमेंट कंटेंस हायर परसेंटेज ऑफ, क्या गुड क्वालिटी सीमेंट क्या रहता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, क्या रहता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दिमाग में रखना है आपको और कुछ नहीं, इसको इसे सब वन लाइनर ही आ रहा है पेपर वन में, पेपर टू में न्यूमेरिकल पूछेगा। मिनिमम रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट रेशियो फॉर वर्कएबल कंक्रीट इज, कितना होता है 0.4%, 0.40। इनर पार्ट ऑफ द टिम्बर ब्लॉक सराउंडिंग द पिच इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं इनर पार्ट को, चलिए तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं हार्ड वुड बोलते हैं उसको। बेस्ड ऑन इट्स ड्राई वेट ए फ्रेशली फेल्ड ट्री मे बी कंटेन वाटर, कितना 100%। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड वेनियर्स आर प्लेस्ड टू सो दैट ग्रेन्स आर एडजेसेंट वेनियर्स, तो कितना हो गए, रन एट राइट एंगल। द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑब्टेंड फ्रॉम, द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर कहाँ से ऑब्टेंड किया जाता है, ये किया जाता है टीक से। फार्मूला ऑफ क्विकलैम, क्विकलैम होता है सी यू, आज पता है क्या आया था फार्मूला, क्या बोला था आज तो एनालिसिस में करवाएं उसे, तो ये क्या बोलते हैं इसको, NaHCO3, इस NaHCO3 ये सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट का ये नाम पूछ लिया था, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट किसको बोलते थे, ये वाला फार्मूला बोला जाता है, ठीक है। द मोस्ट सोडियम कार्बोनेट बोलेगा तो Na2CO3, हो सके कल ये पूछ दे, आज ये पूछा था, हो सके ना कल ये पूछा था, तो हो सके आज ये पूछे या कल ये पूछ दे, शायद हो सकता है। देखिए, द मोस्ट फायर रेजिस्टेंट पेंट्स आर, बताइए, एस्बेस्टस पेंट्स बोलते हैं उसको। चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्राइमिंग कंसिस्ट ऑफ, वन पार्ट ऑफ द व्हाइट, वन पार्ट ऑफ द
व्हाइट लेड, 8 पार्ट ऑफ द चॉक एंड 4 पार्ट ऑफ द ट्वाइस बॉइल्ड लिंसेड वाल, देख लीजिएगा एक बार। इफ द आयरन ओर कंटेन क्ले एज इम्प्योरिटी, द फ्लक्स एडेड ड्यूरिंग कैल्सिनेशन इज लाइमस्टोन, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज का हम लोग क्लास यहीं खत्म करते हैं। आगे बढ़ने से मतलब रखने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि जेई का एग्जाम या फिर आगे सीजीएल की तैयारी करना चाह रहे हैं और टेलीग्राम में जुड़िएगा, जेएसएससी वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर जेएसएससी वाला सर्च मारिएगा आ जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। जेएसएससी वाला गैप नहीं देना है, यही हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है, मारिएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ पे निकल के लाइमस्ट मतलब टेलीग्राम आ जाएगा, इसका पीडीएफ दे देंगे, आंसर के साथ देंगे इसमें, ठीक है। तो ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।